नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज पोस्ट। मैं हूं रंजना। मैं जिस जगह पर खड़ी हूं, इस जगह के बारे में इंट्रोडक्शन ना भी देंगे तो आप पहचान जाएंगे, क्योंकि ये वही जगह है जहां पर राजधानी रांची के राजभवन के समक्ष राज्य के तमाम जिलों से पीड़ित, शोषित, दलित, ग्रसित सभी तरह के लोग अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर आवाज़ देते हैं। इसी कड़ी में हम इस वक्त आपको बैनर दिखाएंगे। इस बैनर को देखिए, ये बैनर पुराना नहीं है, एक महीने से नहीं था, लेकिन एक महीने बाद फिर आ गया। पिछले एक महीने पहले की अगर बात कर ली तो 33 दिन ये एसबीएम कर्मी धरना दिए थे और मांडर विधायक बंधु तिर्की के आश्वासन पर ये धरना तोड़ा गया था। हालांकि आप देख सकते हैं ये धरना पुनः शुरू हो चुका है 3 मार्च से। आज 5 मार्च है और यहाँ पर एसबीएम कर्मी धीरे धीरे जुटना शुरू हो चुके हैं और धरना प्रदर्शन भी शुरू हो गया है। क्या राज्य में अनिश्चितकालीन ऐसे ही लोग जो असंतुष्ट लोग हैं वो धरना देंगे? यह पुनः अनिश्चितकालीन धरना, एक तरफ राज्य में बजट सत्र चल रहा है, दूसरी तरफ धरनार्थियों की संख्या में लगातार इजाफा यही बयां कर रहा है कि राज्य में असंतुष्टों की संख्या में वृद्धि होते जा रही है। क्या कारण है और किस लिए फिर से आप धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं, आप बताएँ। मैडम, जैसा कि हम लोग यहाँ पे 44 दिन से धरना पे बैठे हुए थे और उसी बीच में हमारे माननीय बंधु तिर्की ने आए और हमारा पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के मंत्री से टेलीफोनिक वार्ता पे हम लोग बात हुई और हम लोग को यही आश्वासन दिया गया कि आप लोग धरना को ख़त्म कर दीजिए और आप लोग को निश्चित है कि आप लोग का जो मांग है, आप लोग का समायोजन की बात है, वो हमने करा देंगे। हम पिछले 33 दिनों में किसी का कोई फ़ोन कॉल्स नहीं, कोई विभागीय इन्फॉर्मेशन कुछ भी नहीं आया? 44 दिन से किसी का कोई फ़ोन कॉल नहीं मैडम, किसी तरह का कोई सूचना हम लोग को नहीं दिया। बल्कि हम लोग को बोला गया था कि नहीं हटाने की बात है, लेकिन विभाग के द्वारा से हर जिला को न्यू वैकेंसी निकालने के लिए हर विभाग को भेज दिया गया मैडम। उसकी वजह से जो कि हमारा सिमडेगा जिला एक पड़ता है, वहाँ पे भी बहाली हो गया मैडम। और बहाली हो गई जी मैम, नए तरीके से जी मैम। कब हुई है? यहाँ पे फरवरी महीना को वहाँ पे बहाली हो गई। धरना दे रहे थे, समाप्त किए थे उसके बाद? जी जी, धरना समाप्त करने के बाद में जिलों का क्यों नहीं हुआ? बाकी जिलों का भी स्टेटमेंट वगैरह, वैकेंसी वगैरह, विज्ञापन वगैरह निकाला जा रहा है मैम, हर जिला में विज्ञापन निकाला जा रहा है मैम। अब क्या होगा, ये फिर से जो पुनः धरना अनिश्चितकालीन का बैनर लेकर आप लोग कितने लोग बैठ गए? हम लोग यहाँ पे पूरा 2400 जिला के लोग हम लोग बैठ रहे हैं मैम। जी मैम, मैं सिमडेगा जिला से बोल रहा हूँ, मैं सिमडेगा जिला से भी आए हुए हूँ जी। जी, तो क्या है, क्या इस बार क्या लग रहा है? इस बार मैम हम लोग को पूरा विश्वास है, हमारे जो मतलब बंधु तिर्की ने जिस तरह से आश्वासन दिए थे उस हिसाब से हम लोग को पूरा विश्वास है कि हम लोग को जो न्याय मिलेगा मैम, न्याय मिलेगा। इसलिए मैम तो देखिए, मिलेगा आश्वासन मिला था तो पिछले 30 दिनों में आपने फोन कॉल्स किया? नहीं मैम, हम लोग फोन कॉल्स किए, फिर से भरोसा हो जाएगा, धरना दे रहे हैं इसके बाद भरोसा हो जाएगा कि न्याय मिल जाएगा? मैम अभी हम लोग को भरोसा इसलिए है मैम कि देखिए, हमारे जो माननीय विधायक महोदय बीते बार का मानसून सत्र में जो उठाया गया था हमारे सीपीएसी साहब ने, तो सबसे पहली बात है मैम कि देखिए, आज की बात है, मैं एक बेरोजगार युवा मतलब जो पीड़ित युवा हूँ, मैं चिट्ठी के माध्यम से आप लोग को दिखाना चाह रहा हूँ मैम कि ये जो हमारा विधानसभा में जो बात रखा गया था, इसमें जो हमारे माननीय मिथिलेश ठाकुर जो है उनका स्पष्ट कहना है कि आप लोग को किसी तरह से नहीं हटाएंगे और आप लोग का जो पोस्ट है उसको हम लोग क्रिएट कर देंगे मैम। लेकिन जब इस तरह से बात है मैम कि पोस्ट भी क्रिएट नहीं, जबकि बहाली भी निकाल दिया गया मैम, तो सबसे पहली बात है मैम कि देखिए, हमारे यहाँ हमारे झारखंड राज्य में कितना दुर्भाग्य की बात है कि जो हमारा विधानसभा जो कि एक संवैधानिक जगह है, वहाँ भी जब हमारे विधायक महोदय के द्वारा जब विधानसभा में बात को रखी जाती है और मिथिले जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय मतलब पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के जो मंत्री है, वो किस तरह से वहाँ पे झूठा आश्वासन और किस तरह से गुमराह दिया जाता है मैडम, गुमराह किया जाता है। मुख्यमंत्री से अपेक्षा है, मुख्यमंत्री से हमें पूर्ण अपेक्षा है मैम कि यदि हमारा बात मुख्यमंत्री महोदय तक यदि सच्चे तौर पर अगर पहुँचा दिया जाए। स्थानीय विधायक से मिलते हैं जी मैम, हम बोलते हैं भूषण बाड़ा, आपके विधायक भूषण बाड़ा हमारा विधायक महोदय है और हमारा विधायक महोदय बीतकल कुंगाड़ी है, हमारा 2 विधायक है, हमने दोनों विधायक से मिले थे, दोनों विधायक के महोदय के माध्यम से हमें अच्छे आश्वासन दिया गया था कि मिला देंगे मुख्यमंत्री महोदय से। मिल लिया आप? मैम अभी जो विधानसभा सत्र शुरू होने की वजह से हम लोग को किसी कारणवश नहीं मिला पाए मैडम, तो उन्होंने हम लोग को आश्वासन दिए हैं कि यदि विधानसभा सत्र, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो अपने विधायक को लेकर आते हैं वहाँ, मिलते हैं, बातों को रखते हैं, तो आपको भरोसा मिला है कि विधानसभा सत्र होगा तो आपको मिलवाया जाएगा, नमन बिस्कल कुंगाड़ी आप लोग को ले जाएंगे? जी मैम, नमन बिस्कल कुंगाड़ी से हमें आश्वासन मिला दिया गया है मैम कि यदि मुख्यमंत्री महोदय से आप लोग को मिला देंगे और आप लोग का जो भी समस्या है उस समस्या के आधार पे हम लोग बात को रखेंगे। तो फिर धरना क्यों दे रहे हैं आप, जब भरोसा मिल ही गया है विधायक से? मैम भरोसा मतलब धरना हम लोग किस लिए दे रहे हैं मैम कि देखिए, भरोसा तो हम लोग को दिया गया है लेकिन हम लोग को ये पूर्ण रूप से भरोसा नहीं लग रहा है। भरोसा तो दिया गया है लेकिन आज का डेट में विश्वास नहीं है मैम, क्योंकि जब एक हमारा जो संवैधानिक विधान, मेरा नाम सुनील मिंज, सिमडेगा जिला।
सुनील मिंज का कहना है कि भरोसा मिलता है, आश्वासन मिलता है, धरना तोड़ भी देते हैं उसके बाद भी कुछ नहीं होता। स्थानीय विधायक भी भरोसा दिलाते हैं कि मुख्यमंत्री से मिलकर इनकी बातों को रखवाएंगे, लेकिन भरोसा अब नहीं रहा इन पर, इनको विधायकों पर, माननीय लोगों पर, इन लोगों का भरोसा टूट चुका है, लेकिन फिर भी भरोसा रख कर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पर कई महिलाएँ हैं जो अपने बच्चों के साथ पहुँची हुई हैं। देखिए किस तरीके से ये धरना स्थल पर ये बच्चियाँ खेल रही हैं, पढ़ाई लिखाई का उम्र है, पेंसिल से वो धरना स्थल पर ही खेल रही हैं, उनकी माँ है, कहीं ना कहीं कोई मजबूरी होगी तभी ये बच्चे भी धरना स्थल पर आए होंगे। जी कहाँ से आई हैं आप? किस जिले से? गुमला जिला से। पिछले महीने आप लोग धरना प्रदर्शन? जी। तो क्यों तोड़ा था? मैम बंधु तिर्की माननीय मांडर विधायक के कहने पर हम लोग ने अपना धरना तोड़ा। धरना शुरू करने से पहले किससे मिलने गए आप लोग? धरना शुरू करने से पहले तो हम लोग अपना स्थानीय विधायक लोग से हम लोग मिले, उनसे भी आश्वासन तो मिला था, लेकिन हम लोग का कोई काम पूरा नहीं हो पाया, खाली आश्वासन मिला, इसलिए हम लोग फिर पुनः धरना में हम लोग आ गए थे। लगता है फिर से धरना दे रही है तो आपका मांग पूरा हो जाएगा? अभी तक तो किसी के द्वारा ऐसा नहीं बोला गया है कि हम लोगों का काम पूरा हो जाएगा, हम लोगों का मांग पूरा हो जाएगा। गर्मी के दिनों में फिर से बच्चों के साथ धरना प्रदर्शन करना कठिनाइयों का सामना नहीं लगता था? ठंडा के दिन में भी आप लोग धरना प्रदर्शन की थी? हम लोग को बहुत तरह तरह का कठिनाई का सामना करना पड़ा पिछले 44 दिन में। हम लोग इतना ठंड में अपने बच्चे के साथ आए, अपना परिवार के साथ आए, और यहाँ 44 दिन लगातार हम लोग धरना दिए, उसके बावजूद भी हम लोगों का मांग पूरा नहीं हो गया मैम, और है कि अभी गर्मी का दिन में भी हम लोग यहाँ आके हम लोग धरना दे रहे हैं। बहुत कठिनाई प्रतिदिन आती है, हम लोग यहीं रहते हैं क्योंकि बस किराया भी इतना बढ़ गया है कि हम लोग डेली हम लोग आ जा नहीं सकते। उम्मीद है बजट सत्र चल रहा है इसलिए भी हो सकता है आप लोग धरना शुरू कर दी हैं? उम्मीद तो देखिए अब कुछ कह नहीं सकते हैं, कहीं उतना दिन हम लोग दिए, हम लोग का कोई मांग पूरा नहीं हुआ, अभी तो क्या कहे, जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं होगा हम लोग इसी तरह। किसके साथ आई हैं ये बच्ची? जी अच्छा, कहाँ से आई हैं आप? इधर आइए ना। मैं गुमला जिले से हूँ। गुमला से लेकर बच्चे को आ गई हैं? जी मैम। कठिनाइयों का सामना लग रहा है? कठिनाइयों का सामना तो लग रहा है, और इतना लग रहा है कि उस कठिनाई का हम दर्द बायां नहीं कर सकते हैं। और ये हम लोग जो SBM कर्मी, मैं अपना बता रही हूँ, अगर इस काम से हमको निकाला जाएगा तो मेरा जीने का जीविकोपार्जन या मेरा जो भी दयनीय आवश्यकता है उसको मैं पूरा नहीं कर पाऊँगी, ये मेरा व्यक्तिगत मांग है। और मैं सरकार से विनती है, जो भी हमारे माननीय हेमंत सोरेन जी जो भी, वो हम लोगों का मांग को सुने और हम लोगों को पुनः अपने काम पे वापस भेजें, और हम लोग का जो जीने का जो हम लोग जिसे हम लोग पेट भरते हैं काम करते हैं उसके बदले में जो भी हम लोग को जो मिलता है उसके एवज में हम लोग को पुनः अपना मतलब काम में वापस भेजें, और हम लोग जो पहले काम करते थे वही काम में हम लोग रूबरू अब आगे काम करें। सभी महिलाएं गुमला जिले से हैं? हाँ, हम लोग सभी लोग गुमला जिला से। लगातार SBM कर्मियों के द्वारा जनवरी दिसंबर के महीने में यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा था। हालांकि आप देख सकते हैं आज जो महिलाएं दिख रही हैं ये तमाम गुमला जिले से आई हुई हैं, गुमला सिमडेगा वैसे राज्य के तमाम जिलों से लोग धरना प्रदर्शन में जुटेंगे, लेकिन अभी इनकी संख्या जरूर कम है, लेकिन इनकी मांग है जो सरकार से वो यही है कि इन्हें समायोजित की जाए। विभागीय मंत्री से आश्वासन फ़ोन के माध्यम से ज़रूर मिला था, बंधु तिर्की ने भी इनका धरना तुड़वाया था, और ये देख सकते हैं किस तरीके धरना प्रदर्शन है वो फिर से शुरू हो चुका है। बहरहाल बजट सत्र चालू है, बजट सत्र के दौरान सभी लोग अपने अपने स्थानीय जनप्रतिनिधि के पास जाकर अपनी बातों को रखे हैं, क्या कुछ इनका सोल्यूशन निकलता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। खैर बने रहिए इसी तरह की खबरों के लिए द न्यूज़ पोस्ट के साथ।